वेलकम टू द 11th सेशन ऑफ सिक्योरिटी एनालिसिस। आज के सेशन के अंदर हम डिटेल में कवर कर रहे हैं कि स्वैप्स को कि स्वैप्स किस तरीके से बेनिफिट बेनिफिशियल होंगे दोनों पार्टीज के लिए, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर पॉजिटिव सम गेम का कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। पॉजिटिव सम गेम का क्राइटेरिया एक्सप्लेन करने के लिए हम कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को कवर करेंगे और देन इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरीके से हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्वैप्स एज अ पॉजिटिव सम गेम दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल होते हैं। थोड़ा सा एक तेज़ी से बेसिक का टॉपिक रिव्यू कर लूँ। कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होता है, आप सबने बेसिक में इकोनॉमिक्स में इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर डिस्कस किया हुआ था, इसको मैं तेज़ी से डिस्कस कर लेता हूँ। सपोज़ करें, एक जस्ट आइडिया दे रहा हूँ कि कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी का सम हाउ आपको आइडिया हो जाए कि किस तरीके की सिचुएशन हो रही होती है। नाउ सपोज़ करें, अगर आपको याद हो तो ये क्या था, बेसिकली दो कंट्रीज़ हैं कंपेरेटिव एडवांटेज वाली बात, सही है। लेट्स से मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, और ये आप इस बेसिक इकोनॉमिक्स में कवर कर चुके हैं। वो दो चीज़ की प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्या प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेट्स से एक वीट की प्रोडक्शन कर रहा है और एक राइस की प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अज्यूम कर लेते हैं कि टू लेबर्स इनपुट हैं, अभी बाकी सब चीज़ें सेम के तौर पे। तो अगर मैं ये कहूँ कि एग्जांपल के तौर पे दो लेबर्स हैं, तो पाकिस्तान ने अपनी एक लेबर यहाँ पे अप्लाई की हुई, एक लेबर यहाँ पे अप्लाई की हुई है, बांग्लादेश ने भी एक लेबर यहाँ पे अप्लाई की हुई, एक लेबर अपने रिसोर्सेज के लिहाज से बात करते हैं। अच्छा, अब अगर मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूँ, मैं सिर्फ कंपेरेटिव एडवांटेज का आर्गूमेंट जस्टिफाई करना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके से बेनिफिशियल होता है। तो आपके सामने है कि सपोज़ करें उस एक लेबर से पाकिस्तान वीट कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, लेट्स से 50 kg, ठीक है, जबकि पाकिस्तान राइस कितनी प्रोड्यूस कर रहा है, 30 kg। ओके, बांग्लादेश की बात करते हैं, बांग्लादेश को वीट के अंदर 30 kg प्रोड्यूस कर रहा है, बट बांग्लादेश राइस में थोड़ा बेहतर है ड्यू टू आइदर एनवायरमेंटल कंडीशंस या ड्यू टू एनवायरमेंटल कंडीशंस के अलावा अगर आप बात कर लेते हैं लेबर एक्सपर्टीज या स्पेशलाइजेशन वाली बात, कुछ भी कह लें। तो हैंस अगर अज्यूम दो लेबर हैं, दो कंट्री हैं, यही सिचुएशन है, तो 80 kg हमें क्या मिला, वीट मिला इन दोनों कंट्रीज़ को मिला के, और 80 kg राइस मिला, ठीक है। 80 kg वीट मिल रहा है और 80 kg राइस मिल रहा है। मैं ये बहुत बेसिक वाली चीज़ रिव्यू इसलिए कर रहा हूँ ताकि कंपेरेटिव एडवांटेज जब सही तरीके से फाइनलाइज होगा तो आपको सिचुएशन समझ में आ जाएगी क्या है। तो ये टोटल प्रोडक्शन आ गई किसकी, वर्ड की, देन क्या हो जाएगा भाई, 10 kg एक्सचेंज कर लें दोनों, ठीक है। ये अपना पाकिस्तान अपना 50 में से 10 kg किसको दे दे, बांग्लादेश को दे दे और ये कर दे, तो ये इनकी ट्रेड हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर एक कंपेरेटिव एडवांटेज का लॉ है, वो लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कि अगर हम बेनिफिट हासिल करना चाहते हैं, ये प्री एक्सचेंज है, अगर ये दोनों इंटरनेशनल ट्रेड रखते हैं इस वक्त अगर देखा जाए तो क्या करना चाहिए इनको, आइडियली क्या करना चाहिए, मैं कहता हूँ सही रिवाइज़ कर लेते हैं। रिवाइज स्ट्रक्चर क्या होगा, लेट्स से पाकिस्तान अगर अपने दोनों के दोनों वीट पे लगाएगा, पाकिस्तान अपने दोनों बंदे वीट पे लगाएगा और राइस पे नहीं लगाएगा, तो यहाँ पर पाकिस्तान कितनी प्रोडक्शन कर सकेगा, 100 kg, ये राइस की प्रोडक्शन ना करे। बांग्लादेश अपने दोनों बंदे कहाँ पर लगाए, राइस पे लगाए, तो ये 100 kg की प्रोडक्शन कर देगा, तो ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ी, सही है। तो इसका मतलब देन 20 kg आप एक्सचेंज करने की पोजीशन में आ गए, ठीक है, ट्वेंटी केजी आप एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये क्या था, सही है, कंपेरेटिव एडवांटेज का एक कॉन्सेप्ट था कि एक कंट्री को जिस चीज़ में स्पेशल लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन अप्लाई कर रहे हैं, एक को जिसमें बेनिफिट है वो उसको प्रोड्यूस करे, पाकिस्तान को वीट पे बेनिफिट नज़र आ रहा है, सही है, जो कि इसने यहाँ पे प्रोड्यूस किया, और बांग्लादेश को राइस पे बेनिफिट है तो उसने राइस को प्रोड्यूस किया, तो हैंस दोनों ने ओवरऑल वर्ल्ड की प्रोडक्शन बढ़ा दी। अच्छा, अब यही वाली बात एक्सचेंज, यानी एक तरीके से हम एक्सचेंज कर रहे हैं, ट्रेड इंटरनेशनल ट्रेड में ये थ्योरी अप्लाई होती है। जब हम फाइनेंस में स्वैप्स पढ़ते हैं ये वाला, ठीक है, तो स्वैप्स भी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें दोनों फ़ायदे में रहते हैं। अच्छा, वो दोनों फ़ायदे में कैसे रहते हैं, इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए जिस तरह मैंने कंपेरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को एक इंटरनेशनल मैक्रो इकोनॉमिक एग्जाम्पल के लिहाज से थ्योरी वाइज डिस्कस किया,
ये टेबल ऑटोमेटिकली नंबर शो कर रहा है, आपको आइडिया हो गया कि हाँ भाई बेनिफिट तो ले सकते हैं। लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन अप्लाई करें, जो जिस चीज़ में एक्सपर्टीज है उसको अप्लाई करें, सही है। तो यही बेनिफिट हम लॉ ऑफ कंपेरेटिव एडवांटेज सर्च में भी अप्लाई हो सकता है। एंड दिस इज द ओनली सिचुएशन इन फाइनेंस वेयर बोथ पार्टीज आर एट एडवांटेज आफ्टर स्वैप, दोनों को स्वैप का बेनिफिट मिल रहा होगा। अच्छा कैसे होगा, अब इस वाली बात के लिए सपोज कर लेते हैं, मैंने ये शेड रखा था ना, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि एक जो एग्जांपल देनी थी, ओके हेयर इट इज़, यस सपोज करें दो कंपनियाँ हैं, ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी। ट्रिपल ए को लोन लेना है, सही है, ट्रिपल ए सही है, लेकिन वो लोन कौन सा लेना चाहती है, फ्लक्चुएटिंग लेना चाहती है, फ्लोटिंग लेना चाह रही है, या आप इसको यूँ भी कहना चाहें तो ये कह सकते हैं कि वो बेसिकली सही है फ्लक्चुएटिंग या लाइबर पे जाना चाह रही है। वो कहती है कि भाई जो भी पॉलिसी रेट होगा मुझे वही चाहिए, ठीक है। जबकि बी कहती है कि नहीं भाई मुझे फिक्स करवा दो, ठीक है, वो रेट फिक्स करवाना चाह रही है और ये फ्लोटिंग करवाना चाह रही है। अच्छा सर यहाँ पे एक छोटा सा सवाल आएगा कि सर ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा वो लोग क्यों कर रहे हैं। सीधी सी बात है, इसका जवाब अगर मैं यहाँ पर तेज़ी से लिखूँ तो इसका जवाब क्या बनता है, ओके इसका अगर मैं जवाब यहाँ पर लिखता हूँ, यस हियर इट इज़, तो व्हाई यू थिंक के ऐसा है, एक मिनट, यस व्हाई यू थिंक ऐसा है, एनी आइडिया, कोई सोच के रखें। भाई ड्यू टू डियर एक्सपेक्टेशन, मैं कहूँगा ड्यू टू डियर एक्सपेक्टेशन, ड्यू टू डियर एक्सपेक्टेशन, यानी ये एक्सपेक्टेशन, अब इनकी एक्सपेक्टेशन क्या है, इट माइट बी पॉसिबल ट्रिपल ए को लग रहा होगा कि भाई फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा हो, डिक्लाइन हो रहा हो, और इसको लग रहा हो भाई इंटरेस्ट में फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या हो रहा हो, बर्ड हो रहा हो, तो वो अपनी एक्सपेक्टेशन की बेसिस पर ये चाहते हैं, ठीक है। ये तो एक सिंप्लीफाइड सिचुएशन हो गई। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं सिचुएशन के बाद कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब अच्छा अब अगर हम यहाँ पे आते हैं तो दे आर ऑफर्ड एज फॉलो, ओके मेरी यहाँ पे सिचुएशन इसको वापस रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेक्टेशन वाली बात आ गई थी, यस इट इज़, ओके दे आर ऑफर्ड एज फॉलो, वो बोरो तो करना चाह रहे थे, ठीक है। अब इनका ऑफर क्यों सिचुएशन है, एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पर आती है कि अब इस इन्फॉर्मेशन को मैं बारी बारी पढ़ लेता हूँ, क्या है कि ए को क्या मिल रहा है, ए अगर फिक्स पे जाता है, ए अगर फिक्स पे जाता है तो ए को रेट क्या मिल रहा है, 4%, ए को रेट क्या मिल रहा है, 4%, सही है। लेकिन बी फिक्स पे जाएगा तो बी को रेट कितना मिल रहा है, 5.2%, ठीक है। अच्छा ये दोनों क्यों, ऐसा क्यों है, इसकी बात करते हैं भाई, ड्यू टू क्रेडिट रेटिंग। अब क्रेडिट रेटिंग क्या होती है, मैंने बॉन्ड्स के वक्त थ्योरी में आपको केस स्टडीज़ के अंदर एक चीज़ डिस्कस की थी, क्रेडिट रेटिंग, भाई ट्रिपल ए जो सही हैज़ लो रिस्क, ट्रिपल ए का रिस्क क्या है, लो है, जबकि ट्रिपल बी का रिस्क क्या है, हाई है। क्यों, मार्केट स्टैंड वर्थ वगैरह, मिसाल के तौर पे पब्लिक सेक्टर पॉइंट से बात करते, गवर्नमेंट में कोई में रिस्क लो अज्यूम किया जाता है। मिसाल के तौर पे आप किसी नई कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको लोन किस रेट पर देंगे, और किसी पुरानी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसको लोन किस रेट पर देंगे, क्या सेम रेट पर देंगे, नहीं। तो यही वाली बात यहाँ पर है, ट्रिपल ए का मतलब एक अच्छी कंपनी, हाई प्रोफाइल कंपनी। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ के बारे में मैंने बॉन्ड वैल्यूएशन के वक्त केस भी दिया हुआ था, और थ्योरी रेगुलर फेस टू फेस क्लास में भी डिस्कस की हुई थी, सही है। तो इसी तरीके से ट्रिपल बी कॉरपोरेशन के लिहाज से बात करते हैं, तो ट्रिपल बी कॉरपोरेशन का रेट ये है, ठीक है, ओके, तो इसका मतलब ड्यू टू क्रेडिट। अच्छा यही बात फ्लोटिंग, अगर ए बोलता है नहीं भाई मुझे फ्लोटिंग फ्लक्चुएटिंग रेट चाहिए, तो ए को क्या रेट मिल रहा है, ये कह रहा है भाई जो भी काइबोर होगा ना, जो भी लाइबोर होगा, इंटरनेशनल कंपनीज के लिहाज से मैं यहाँ पे लाइबोर की एग्जांपल बुक से पिक की हुई है, तो लाइबोर में से जो भी भाई जो इंटरबैंक ऑफर रेट है ना, इस कंपनी को लोन चाहिए, ये कंपनी इतनी आउटस्टैंडिंग है कि हम बैंक से लो चार्ज करने के लिए तैयार है। क्यों, क्योंकि बैंक में अभी देंगे तो शायद हमें पैसे ज़्यादा देने पड़े, सही, रिस्क इन्वॉल्व होगा, लेकिन इसका रिस्क इतना अच्छा है कि जो भी आपस में बैंक कर रहे हैं ना, हम उससे पॉइंट, मिसाल के तौर पर इफ लाइबर अगर 7% है, तो इसका मतलब हम आपको, बैंक ने जो आपस में डिसाइड किया, हम तो नहीं मालूम, हम आपको 6.9% लेंगे। अगर ये 8% है,
तो आप 7.9 भी देंगे तो एक्सेप्टेबल होगा। तो इस तरह की जो सिचुएशन है, इसका मतलब ट्रिपल ए को रेट लो में मिल रहा है, यानी लाइबोर से भी कम में मिल रहा है। अच्छा, इसी तरीके से लेकिन बी पे आते हैं, वो कहते हैं भाई लाइबोर यानी ए का रेट अगर मैं लिखता हूँ और बी का रेट लिखता हूँ, अगर लाइबोर लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल लाइबोर क्या था 7% था, अगर लाइबोर क्या था 7% था, तो ट्रिपल ए को 6.9% पे मिलेगा, जबकि ट्रिपल बी को कितने पर मिलेगा 7.6% पे मिलेगा। लेट्स से लाइबोर अगर 5.5% है तो ट्रिपल ए को रेट कितने पर मिलेगा 5.4% पर मिलेगा, जबकि इसको ये 6.1% पर मिलेगा। तो ये एक आइडिया देना था कि ये फ्लोटिंग है, फ्लोटिंग का मतलब जो भी लाइबोर रेट होगा उसकी बेसिस पे, तो ये एक आइडिया देना मकसद था, ठीक है। नाउ ये मैं इसको क्यों मिटा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं कि ये ए के रेट भी आ गए और ये बी, ए और बी के भी रेट आ गए। अच्छा, अब आइडियली करना क्या चाहिए, ये सब क्यों होता है, ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये रेट में डिफरेंसेस क्यों हैं रेटिंग की वजह से, और ये भी डिस्कस कर लिया कि ये एक्सपेक्टेशन की वजह से है कि ट्रिपल ए को रखता है एक्सपेक्टेशन ए के पॉलिसी रेट क्या होगा, फ्यूचर में डिक्लाइन होगा, जबकि बी को क्या लगता है कि फ्यूचर में रेट क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। अच्छा, तो अब करना क्या चाहिए, अब मेरा आपसे सवाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, ए को किस रेट पे करना चाहिए, ए को तो दोनों में कम रेट पे मिल रहा है ना, ए को दोनों पे कम रेट पे मिल रहा है, ए को यहाँ भी बेनिफिट है यहाँ भी बेनिफिट है, तो ऐसी सूरत के अंदर ए को करना क्या चाहिए, इसका तरीका क्या है कि ए का एडवांटेज कितना है। पहले हम ए का एडवांटेज निकालेंगे, ए का एडवांटेज कितना है 1.2% है। अगर ए बी के मुकाबले में फिक्स पर जाता है तो उसको बेनिफिट कितना मिल रहा है 1.2%, ठीक है। इसी तरीके से अगर बी की बात करते हैं तो बी को एडवांटेज कितना मिल रहा है ए के मुकाबले के अंदर, सही है, अगर देखा जाए तो 0.7% का एडवांटेज मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, बी को एक तरीके से देखा जाए तो बी का एडवांटेज ए को कितना मिल रहा है, बी को 0.7% एक्स्ट्रा देने, सही है, 0.7% एक्स्ट्रा देने, ये आप देख कर लीजिएगा, ठीक है। यानी फिक्स पे एडवांटेज 1.2% का है, जबकि फ्लोटिंग पे एडवांटेज कितना है 0.7% का, यानी ए को दोनों सूरतों में बेनिफिट है, लेकिन ज़्यादा बेहतर कंपैरेटिव अगर बात करते हैं कंपैरिजन बेसिस पे, ठीक है, तो क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर एक सॉल्यूशन होगा और ये बात मैं अगले 2-3 स्वेप्स में वापस रिपीट करूँगा, न्यूमेरिकल एग्जांपल आएगी। ए विल ऑप्ट फॉर व्हाट, ए को ज़्यादा फ़ायदा किस में, फिक्स रेट में है 4%, ठीक है, एज फिक्स्ड, ठीक है। ए हैज़ मोर एडवांटेज, ए को ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, तो इसलिए ए क्या कर रहा होगा, ए अगर देखा जाए तो ए को ज़्यादा एडवांटेज हासिल है, तो ए वाली सिचुएशन क्या आ रही होगी, ए कहाँ पे जाएगा, जिस पे ज़्यादा एडवांटेज है, ज़्यादा एडवांटेज अगर हम बात करते हैं तो ए को किस पर आ रहा है, 6% पर, ठीक है, ओके। नाउ बी को क्या करना चाहिए, ठीक है, बी विल ऑप्ट फॉर 6 मंथ लाइबोर प्लस 0.6%। अच्छा, ये खाली रेट है, ये रेट है कि 6 मंथ का जो रेट होगा उस पे 6% ज़्यादा आएगा, सही है। तो बी हैज़ मोर बेनिफिट इन फ्लोटिंग, भाई अगर बी जाता फिक्स पे, अगर बी फिक्स पे जाता तो बी को कितना रेट देना पड़ता, 1.2% ए के मुकाबले में ज़्यादा देना पड़ता, दूसरी पार्टी के मुकाबले में ज़्यादा देना पड़ता। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों सूरतों में अगर हम बेनिफिट चेक करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, हमें इन दोनों का कंपैरेटिव बेनिफिट क्लेम करना होगा कि फिक्स का किस में आ रहा है और ए का किस में आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक ये वाली बात थोड़ा सा होगी। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ, इसको वापस रिपीट कर देता हूँ, इनडायरेक्टली कैसे रिपीट कर देते हैं कि भाई हम नोट कर रहे हैं कि स्वैप दोनों पार्टीज पे बेनिफिट कैसे होगा, तो चलें अब इसका स्वैप का एक एग्रीमेंट फॉलो कर लेते हैं। अब स्वैप का एग्रीमेंट मैं किस तरीके से बना रहा हूँ, वही ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमने डिस्कस किया हुआ था। सपोज़ करें ये ट्रिपल ए कंपनी है, ठीक है, और ये ट्रिपल बी कंपनी है, ठीक है। ट्रिपल ए ने डिसाइड कर लिया कि उसको 4% पे करना है,
उसको पे कितना करना है, 4%। और ट्रिपल बी ने डिसाइड कर लिया ये एरो कि इसको पे करना है, कितना पे करना है, लाइबोर, ये पे करेगी लाइबोर प्लस 0.6%, यही है। तो ये इसका लाइबिलिटी रेट है, ये इसका ए का लाइबिलिटी रेट है और ये बी का लाइबिलिटी रेट है। ओके सो अच्छा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, लेकिन अब आज वापस आ जाते हैं शुरू वाली सिचुएशन पे। इस सवाल में क्या था, इस सवाल में ये था कि ए ट्रिपल ए को चाहिए क्या था, फ्लोटिंग, ठीक है, जबकि ट्रिपल बी को क्या चाहिए था, फिक्स। लेकिन ड्यू टू, अगर ए फ्लोटिंग पे जाता तो उसको कितने पे देने पड़ते, ये देने पड़ते, ठीक है, ये ए का फ्लोटिंग रेट बन जाता, और बी अगर फिक्स पे जाता तो उसको देना पड़ता। यानी अगर देखा जाए तो बी एक्स्ट्रा कितने दे रहा है, 1.2% दे रहा है, ठीक है। तो इस 1.2% एक्स्ट्रा देने वाली बात को बाया स्वैप हम बेनिफिट ले सकते हैं, कैसे करेंगे। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, इन दोनों आपस में क्या कर लें, स्वैप एग्रीमेंट बना लें, इनका आपस में क्या बन जाएगा, स्वैप एग्रीमेंट। अच्छा, वो स्वैप एग्रीमेंट क्या होगा, वो स्वैप एग्रीमेंट ये कहता है कि भाई ये यहाँ से एक एक्सचेंज करे और ये यहाँ से एक्सचेंज करे। अच्छा, अब क्या करें, ऑफिस में आते हैं, कैसे एक्सचेंज होगा, ट्रिपल ए को क्या कर चाहिए, फ्लोटिंग। वो कहता है मैं मुझे फ्लोटिंग पे करना है, मैं जो भी लाइबोर रेट होगा वही पे करूँगा। तो ट्रिपल ए अगर बी को लाइबोर पे कर दे और वो इसको फिक्स पे करना है, वो बोलता है भाई मुझे फिक्स दे दो, वो कहता है भाई मुझे फिक्स दे दो, ठीक है। तो फिक्स कैसे सिचुएशन आ रही होगी, फिक्स देने के लिए वो कुछ भी होगा, अच्छा कि मुझे फिक्स, मैं अभी यहाँ पर लिख रहा हूँ 4.35%। अच्छा, ये 4.35 ये कम्प्लीटली नेगोशिएशन है। वो बोलेगा बी भाई ट्रिपल बी तुम ये देखो, अगर तुम बैंक को दोगे, अगर तुम बैंक को से डायरेक्ट लोन लोगे तो तुम्हें कितना देना है, 5.2% देना है। अगर तुम बैंक लोन लोगे तुम्हें कितना देना है, 5.2% देना है। ऐसा करो तुम मुझे फिक्स 4.35% दे दो, इससे क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें लेबर दे दूंगा, ठीक है, जो भी रेट होगा। तो ऑटोमेटिकली बी की पेमेंट जो 5.2 है उससे मुकाबले में कमी है, तो बेनिफिट मिल गया। तो ये टेक्निकली ये जो एग्रीमेंट है, ये जो मल्टी पेन से लिखा है, ये स्वैप एग्रीमेंट है। अच्छा, अब इट इज़ नॉट नेसेसरी के ये एग्रीमेंट किस में हमने किया है, ये एग्रीमेंट किया है, ये एग्रीमेंट है स्वैप बिटवीन ट्रिपल ए एंड ट्रिपल बी, ये तीनों आपस में करते हैं। अच्छा सर, ज़रूरी है क्या 4.25 करें, नहीं, एक और चीज़ चेंज करते हैं, लाइबोर कहेगा, ट्रिपल बी कहेगा भाई ऐसा करो, क्या करो कि मुझे, मैं तुम्हें, ठीक है, मैं तुम्हें फिक्स इतने नहीं दे सकता, लेकिन मुझे तो जो तुम्हें पे करना है ना ट्रिपल ए को, तुम मुझे पे कर दो, तुम ये कह दो। बी कहता है नहीं। अच्छा, यहाँ पे आपस में निगोशिएशन चल रही है, ये कुछ भी हो सकता है, इसी निगोशिएशन बेस पे मैं एक रिवाइज करता हूँ, लेकिन अल्टीमेट इम्पैक्ट इसका सेम आएगा। क्या आएगा, वो ये कहेगा कि भाई बी ऐसा करो, तुम उसको कितने पे कर रहे थे, ये कह रहे थे तुम ये मुझे दे दो, तुम ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें इसका बेनिफिट भी दूंगा, कुछ छोड़ दूंगा। तो इट माइट बी पॉसिबल कि अच्छा, अब वो बोलेगा भाई ट्रिपल ए एग्री कर जाएगा, ट्रिपल ए एग्री कर जाएगा, वो बोलेगा ठीक है मैं तुम्हें लाइबोर से भी कम पे कर रहा हूँ। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, लाइबोर माइनस 0.1%। ये ट्रिपल ए ये कह सकता है कि भाई ठीक है मैं जो बैंक को पे कर रहा हूँ ना वही तुम्हें दूंगा, हालांकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वो ज़्यादा पे कर रहा है, सही है। मिसाल के तौर पे ये जो अभी डिस्कस किया था, लाइबोर अगर 7% है तो यहाँ पे क्या पे करना होगा, ट्रिपल ए को 7% ही पे करना होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करना होगा, 6.9% और ट्रिपल ए कह देता है ठीक है। तो ऐसी सूरत में ये भी कहेगा कि भाई मैं भी तुम्हें फिक्स में 4.2% ही पे करूँगा, ज़्यादा पे नहीं करूँगा। तो ये स्वैप, दोनों स्वैप्स, ये वाले दोनों स्वैप एक ही बात है, ठीक है, जितना डिफरेंस यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग में आया उतना ही डिफरेंस फिक्स में आया, ठीक है। तो इन दी एंड से ये एग्रीमेंट ट्रिपल ए के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इन दी एंड बोथ आर सेम, सही है, टेक्निकली बोथ आर सेम, ये भी सेम है, ये दोनों सेम है। बोथ आर सेम किस तरीके से, कि 4.35 एंड लाइबोर और
4.25% एंड लाइबोर -0.1%। देखो ये माइनस से तो उधर जाके प्लस होके एडजस्ट हो गया, तो ये और ये टेक्निकली सेम है, तो ये दोनों स्वैप्स हैं। अच्छा, ये दोनों स्वैप एग्रीमेंट बन गया, यानी स्वैप कुछ भी हो सकता है, ये दोनों पार्टीज़ के आपस में निगोसिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो आपस में किस तरीके से एग्री करते हैं। नाउ ये करने के बाद थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ, सही है कि किस तरीके से सिचुएशन होगी। अब सपोज़ करें कि ये हम कंपेरेटिव एडवांटेज बेनिफिट क्लेम करेंगे। अब कंपेरेटिव बेनिफिट किस तरीके से क्लेम किया जाएगा इसको हम देखते हैं कि कंपेरेटिव एडवांटेज इनका क्या आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसके लिए डायरेक्टली लिखा हुआ है, सिर्फ आई नीड टू चेंज द कलर, हियर इट इज। ये आ गया कि कंपेरेटिव एडवांटेज क्या है। ठीक है, अच्छा, कंपेरेटिव एडवांटेज के लिहाज से अगर हम बात करते हैं तो इन दोनों पार्टीज़ का कंपेरेटिव एडवांटेज लिखते हैं। एडवांटेज इन फिक्स रेट टू एनी पार्टी, दोनों पार्टीज में से एडवांटेज कितना था। ठीक है, ये अगर हम निकालते हैं तो 1.2% था। सर ये 1.2 कैसे आया भाई, ये रहा डेटा, इन दोनों में 1.2% था और फिक्स में कितना था, 0.7% था। ठीक है, तो नेट टोटल एडवांटेज, अच्छा ये टोटल एडवांटेज क्या है, अगर ए की बात करते हैं, ए को इस पे फ़ायदा हो रहा है तो ए को इस पे नुकसान भी हो रहा है। ठीक है, ए को यहाँ पे लॉस हो रहा है, ए को यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है, तो वो अगर यहाँ के बजाय रिवर्स कर रहा होगा दूसरी सिचुएशन, तो पार्टी को फ़ायदा भी हो रहा होगा। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर दोनों एक कौन फार्मूला है कंपेरेटिव एडवांटेज निकालने का, और वो फार्मूला क्या है, वो फार्मूला है ए माइनस बी, और ए से मुराद क्या है, डिफरेंस इन वन रेट या मार्केट, वन रेट या मार्केट में जो डिफरेंस होगा वो ए होगा, और बी क्या होगा, डिफरेंस इन अनदर मार्केट या अनदर रेट। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो नेट क्या आया, 0.5% आया, यानी दोनों पार्टीज से किसी तरीके से आधे परसेंट का बेनिफिट क्लेम कर सकती हैं। दोनों पार्टीज किसी तरीके से 0.5% का बेनिफिट क्लेम करेंगी, और ये 0.5% का बेनिफिट दोनों में आपस में कैसा, भाई दोनों अगर इक्वल वर्ट रखते होंगे तो 0.5% का बेनिफिट यहाँ पर और 0.25% का बेनिफिट यहाँ पर, यानी 25 बेसिस पॉइंट। ये मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, बेसिस पॉइंट क्या होते हैं, परसेंटेज का 100 इससे को बेसिस पॉइंट कहते हैं। तो यानी 25 बेसिस पॉइंट किसको फ़ायदा मिलना चाहिए, ए को, ए 25 बेसिस पॉइंट का फ़ायदा बी को मिलना चाहिए, क्योंकि दोनों को बेनिफिट नेट के बेनिफिट कितना है, 0.5। यानी ये वही वाली बात है, यहाँ पर वापस मैं रिपीट कर दूँ, यहाँ पे अगर ए इस पे जाता तो 1.2 का फ़ायदा होता, तो फ्लोटिंग के अंदर सिचुएशन में बी के लिए क्या हो जाता, नुकसान भी हो रहा होता। इसी तरीके से अगर बी फिक्स पे जाती है 4% होती है, तो उसको फ्लोटिंग में देखा जाए तो नुकसान भी हो रहा होगा। तो ये दोनों पार्टीज के वाइस वर्सा सिचुएशन है। तो अच्छा, ये एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात क्या है, एक ये बात जो हमने डिस्कस की थी कि दोनों सेम हैं, वो कि ये कैसे डिसाइड किया जाएगा, सही है। अच्छा, इसकी डिसीजन मेकिंग के लिहाज से मैं पॉइंट्स कुछ वापस हाईलाइट कर दूँ, ताकि ये 4.53% और स्वैप्स में 4.2% किस तरीके से डिसाइड किया जाएगा। सबसे भाई पहला पॉइंट तो यही है कि एज ए ने ऑलरेडी फिक्स का सोचा था, सही है, ऑलरेडी फिक्स 4% था, लेकिन उसको चाहिए क्या था, फ्लोटिंग था। ठीक है, तो अगर स्वैप में जाते हैं तो स्वैप में ए पे क्या करेगा, लाइबर पे करेगा और फिक्स में लेगा, तो क्या हो जाएगा, ए का फ्लोट क्या होना चाहिए, ए का फ्लोट हो जाएगा लाइबर -0.15%, ये ए का फ्लोट हो जाएगा, जबकि ए का फिक्स कितना है, 4% है। तो यहाँ तक तो ये सिचुएशन है, लेकिन सही है, जब हम स्वैप डिज़ाइन करेंगे, इसको मैं लिख ही देता हूँ अपनी वर्डिंग में, बट डेट स्वैप मस्ट अकाउंट फॉर, ओके इसको ब्लैक में लिखूँ ताकि हाईलाइट वाले, बट डेट स्वैप, ओके स्वैप मस्ट अकाउंट फॉर कंपेरेटिव एडवांटेज, सही है। अच्छा, अब कंपेरेटिव एडवांटेज क्या था, ये जो कंपेरेटिव एडवांटेज 0.5 है ना, i.e. 0.25% ईच, दोनों पार्टीज पे ये आना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं ये चीज़ किस तरीके से शो कर रहा हूँ, ये मुश्किल थोड़ी लग सकती है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली जब ये अभी फाइनलाइज करेंगे 10 मिनट में, तो एक आइडिया हो जाएगा कि
एक ही बात कर रहा हूँ, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एक ही क्या बात कर रहा हूँ कि ए का फिक्स कितना है, एग्जिस्टिंग फिक्स है, एग्जिस्टिंग फिक्स कितना है, एग्जिस्टिंग फिक्स है, एनी आइडिया? यस, 4%, ठीक है। अच्छा, लेकिन रिस्क प्रीमियम का बेनिफिट भी तो है, नहीं है? ठीक है। अच्छा, रिस्क प्रीमियम जो भी होगा ऑफ ए एज कंपेयर्ड टू लाइबोर, तो वो कितना है? अगर हम ये करते हैं तो रिस्क प्रीमियम उसमें से माइनस ही कर रहे होंगे, तो ये नेगेटिव है ऑलरेडी। ओके, अगर प्लस कर दें कि एडिशनल रिस्क प्रीमियम कितना आ रहा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू लाइबर के लिहाज से अगर हम बात करते हैं, तो ये आ रहा है 0.1%, ठीक है। अच्छा, ये 0.1% क्यों है कि इंटरनेशनल ये वाली बात जो सिचुएशन आ रही है, ठीक है। ओके, प्लस कंपेरेटिव एडवांटेज का बेनिफिट भी देंगे, कंपेरेटिव एडवांटेज का बेनिफिट कितना है, 0.25%। तो ये टेक्निकली इनको जमा करेंगे तो आपके पास क्या नंबर आ गया, 4.35% आ गया, ठीक है। अच्छा, अगर आप डायरेक्टली इसको सिंपलीफाई भी करना चाहें तो कर सकते हैं, भाई 4% था, 4% था। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, ये वाला डिफरेंस अप्लाई हो रहा होगा, ये और ये इन दोनों के बाद, ठीक है, ये जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को अगर ये नेगेटिव है यानी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लस कर दिया, लेकिन अगर ये प्लस में होता तो हम यहाँ पे क्या कर देते, माइनस भी कर रहे होते। ये प्लस में हो रहा होता तो हम इसको यहाँ पे माइनस कर रहे होते। अच्छा, अब इस सिचुएशन के बाद अगर मैं इसको थोड़ा सा वापस लिखूँ, सही है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं लिख रहा हूँ यानी इन स्वैप, इसमें क्या हो रहा है, इसको ग्राफ के ज़रिए बना दें। ओके, मैंने ग्राफ शायद नहीं बनाया, बना लेते हैं वापस, मुझे एक चाहिए होगा, ठीक है। ओके, सो अगर मैं यही वाला यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, 1 मिनट, यस, डिलीट, ठीक है। ओके, हियर इट इज, नहीं ये वाला नहीं, माय मिस्टेक, मैं भूल गया ये पूरा। ओके, सो अगर मैं यही सिचुएशन यहाँ पर बनाता हूँ, ठीक है, तो क्या आ रहा है, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट आपके सामने मौजूद है। अब मैं इस एग्रीमेंट में से कुछ फालतू चीज़ें उड़ा दूँ जो भी सिंपलीफाई रखते हैं, और वो सिंपलीफाई सिचुएशन क्या रख रहे हैं, 4.35, यानी दोनों ये जो एग्रीमेंट है ना, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये सेम ही था। तो ये स्वैप एग्रीमेंट है, ये आपका स्वैप एग्रीमेंट है। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्री स्वैप, ठीक है, प्री स्वैप ए, ठीक है, प्री स्वैप क्या था, ए को क्या करना चाहिए, ए को -4% पे था, ठीक है, ए -4% पे था, और बी किस पे था, ई माइनस लाइबोर प्लस 0.6% इसी पे था जो रेट था, यानी ये माइनस एल माइनस 0.6% हो गया, ये प्री स्वैप है। स्वैप क्या हुआ, स्वैप ऐड करते हैं, स्वैप ये हुआ कि भाई ट्रिपल ए को मिलेगा, क्या मिलेगा, फिक्स मिलेगा, प्लस 4.35% मिलेगा, और वो पे क्या करेगा, लाइबोर पे करेगा, ठीक है। ये प्री स्वैप था। ओके, मुझे पेन चेंज करनी चाहिए थी लेकिन मैंने नहीं की, तो मैं इसको यूँ हाईलाइट कर देता हूँ, ये स्वैप है, ठीक है। तो इसमें भी स्वैप कुछ ना कुछ होगा। अब इसका स्वैप क्या होगा, ये प्लस है तो ट्रिपल भी पे कर रहा है, तो ये हो गया -4.35%, -4.35%, और प्लस लाइबोर, इसको लाइबोर मिलेगा। तो पोस्ट स्वैप सिचुएशन क्या बनी, पोस्ट स्वैप सिचुएशन बनेगी, क्या बनेगी, ये प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसको यूँ एडजस्ट करते हैं तो क्या सिचुएशन आएगी, लेट मी वेरीफाई दिस, यस यस सही जा रहे हैं हम। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर मैं मैथमेटिकली सॉल्व करूँ इक्वेशन में, -4 +4.35 माइनस लाइबोर, तो ये बन गया माइनस लाइबोर +0.35%, ठीक है। और माइनस अगर कॉमन निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, लाइबोर -0.35% आ गया माइनस, ठीक है। अच्छा, यही वाली बात यहाँ पे करते हैं, ये मैथमेटिकल इक्वेशन वापस लिखी, ठीक है, ऊपर वाले की सॉल्व किया, पोस्ट स्वैप ये हुआ। अच्छा, यहाँ पे अगर हम आते हैं तो क्या है,
यहाँ पे सिचुएशन ये आ रही है, अगर इन्होंने ये एक्सचेंज कर लिया है तो अब फार्मूला लिखता हूँ जो इस तरीके से वहाँ पे लिखा था, यहाँ पर भी लिख लेते हैं। माइनस एल लाइबोर माइनस 0.6% माइनस 4 माई मिस्टेक माइनस 4.35% प्लस लाइबोर। ठीक है, ये एक सिचुएशन थी, तो इसको अगर हमने सोल्व करता हूँ, माइनस एल और प्लस एल ख़त्म हो गया, आंसर क्या आया, माइनस 4.95% आ रहा है। इसका मतलब प्री स्वैप, अगर मैं प्री स्वैप की लाइन बनाऊँ तो प्री स्वैप रेट क्या बने थे, प्री स्वैप ने उसको लाइबोर पे करना था किसको, बी को, लेकिन पोस्ट स्वैप क्या हो गया, फिक्स हो गया। प्री स्वैप ए को क्या पे करना था, फिक्स पे करना था, लेकिन पोस्ट स्वैप क्या हो गया, पोस्ट स्वैप वो भी फ्लक्चुएटिंग पर आ गया। तो यही बात, अगर स्टिल प्रॉब्लम होगी, मुझे लग रहा है थोड़ा प्रॉब्लम होगी रफ की वजह से, तो यहाँ पे मैं वापस लिख देता हूँ अगेन ऑटोमेटिकली, सही है। और वो किस तरीके से लिख रहा हूँ यहाँ पर कि इन स्वैप में ए रिसीव क्या कर रहा है, इन स्वैप स्वैप में ए रिसीव क्या कर रहा है, फिक्स रिसीव कर रहा है, देख लें फिक्स रिसीव कर रहा है ना, फिक्स्ड, और ए पे क्या कर रहा है, फ्लोटिंग, सही है। अच्छा, इसको मैं यूँ कह सकता हूँ, ए रिसीव क्या कर रहा था, 4.35 ही रिसीव कर रहा था ना, तो ये हो गया 4.35%, और पे क्या कर रहा था, फ्लोटिंग, यानी लाइबोर जो भी रेट होगा। आई होप यहाँ तक तो किसी को मसला नहीं है ना, ये दोनों हो गए। अच्छा, अब बेनिफिट देखते हैं, तो बिफोर स्वैप्स क्या थे, बिफोर स्वैप्स ट्रिपल ए के पास अवेलेबल ऑप्शन क्या थे, मैं सिर्फ ए की बात कर रहा हूँ, ट्रिपल ए की कंपनी के पास अवेलेबल ऑप्शन क्या थे, दो थे, एक क्या था, एक था अवेलेबल ऑप्शंस, पहला ऑप्शन क्या था, कोई फिक्स वाला ऑप्शन क्या था, 4%, और फ्लोटिंग वाला ऑप्शन क्या था, देख लेते हैं पीछे, फ्लोटिंग फ्लोटिंग वाला ऑप्शन ए के पास लाइबोर माइनस 0.1%, तो लाइबोर एल माइनस अब 0.1% ये था। अच्छा, इन दोनों में से इसने पिक कौन सा किया था, इन दोनों में से इसने पिक किया था क्यों, क्योंकि इसको ज़्यादा एडवांटेज हासिल था, यहाँ तक ये वाली बात है, मैं रिपीट ही कर रहा हूँ, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से फिक्स पिक गया, लेकिन ए चाहता किस पे था, ए चाह रहा था, ए वांट स्टार्ट में फ्लोटिंग, लेकिन उसको फिक्स पे जाना पड़ा, ठीक है, क्यों, क्योंकि बेनिफिट ज़्यादा था। अच्छा, अब स्वैप होता है, अब अगर मैं स्वैप होता है तो आफ्टर स्वैप अगर मैं बेसिक कैलकुलेशन करूँ, ये अच्छा एक और चीज़ इसमें मैं ऐड कर दूँ जो मैं भूल गया, तो ये अच्छा बोली भी होगी अभी कि ट्रिपल ए वांट्स, ओके ये सब नज़र ही नहीं आ रहा, मैं मुझे थोड़ा सा लाइट शेड होगा, इसको कलरिंग मैंने नहीं की थी, अभी कर लेते हैं कलर। बिफोर स्वैप, ओके, सो ट्रिपल ए वांट क्या, वांट टू कन्वर्ट, ट्रिपल ए क्या चाह रहा था, ट्रिपल ए चाह रहा था वांट्स टू कन्वर्ट इट्स लाइबिलिटी फ्रॉम फिक्स्ड टू फ्लक्चुएटिंग फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग, ठीक है, तो उसने स्वैप किया। अच्छा, अब स्वैप में क्या है, ये स्वैप हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है, यही स्वैप था, यही वाला स्वैप हमारे सामने मौजूद है कि ये ए रिसीव फिक्स करेगा, ये करेगा और फ्लोटिंग पे करेगा। तो आफ्टर स्वैप, सही है, आफ्टर स्वैप क्या हुआ, पहले से अब हम लिख लेते हैं, पहले से कितना था, माइनस 4 पे करना था, ओके, इसको भी मैं अगर शट कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, जल्दी हो जाएगा। आफ्टर स्वैप क्या आया, तो आफ्टर स्वैप ये हुआ कि आफ्टर स्वैप अगर मैं फार्मूला लिखूँ तो ए का पहले से क्या था, ब्लू मार करके आ जाते हैं, आफ्टर स्वैप पहले से था 4% माइनस करना था, इसको मिला कितना, 4.35%, 4.35% मिला, लेकिन ये पे क्या कर रहा है, ये पे कर रहा है सिर्फ लाइबोर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस एल और प्लस 0.35%, और माइनस अगर कॉमन निकालते हैं तो एल माइनस 0.35% आ गया, ठीक है, एल माइनस 0.35% आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, ट्रिपल ए का स्वैप के बाद
एल माइनस 0.3, जबकि उसके पास फ्लोटिंग ऑलरेडी अवेलेबल क्या था, ये था। दोनों में से छोटा कौन है? कोई भी अगर आपसे पूछे कि विच इज़ लोअर, विच इज़ लोअर, क्या लोअर है, एल माइनस 0.1% या एल माइनस 0.35%? एनी आइडिया कि लोअर क्या है? जाहिर सी बात है, जिसके में माइनस आता है, अगर कोई भी परसेंटेज रखें, एल को 7% रखें तो ये 69 होगा, एल को 7% रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5.65% हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ सी विच इज़ लोअर, लोअर एल माइनस 0.35% इज लोअर देन एल माइनस 0.1%। ठीक है, तो इसका मतलब ओके, सो ये क्या था, ये पोस्ट स्वैप था, ये पोस्ट स्वैप था, आफ्टर स्वैप था, और ये क्या था, प्री स्वैप था। यानी पहले ही फ़ायदा तो था एक को, लेकिन इसका फ़ायदा बढ़ गया। यही वाली बात हम बी के लिए वापस रिपीट कर लेते हैं, ऑटोमेटिकली आपको आइडिया हो जाएगा कि क्या है। ठीक है, सो ऑटो ये रिवाइज करके देन वाइंड अप करेंगे, 5 मिनट से ज़्यादा नहीं है। तो अगर मैं इसी तरीके से यहाँ पे देखूँ कि सी बी स्वैप से पहले उसके पास ऑप्शन क्या थे, बिफोर स्वैप जो हमने यहाँ पर लिखे थे ना, बिफोर स्वैप अवेलेबल ऑप्शन क्या था, बिफोर बेनिफिट्स ऑफ बी, तो बिफोर स्वैप अवेलेबल ऑप्शंस थे उसके पास, क्या ऑप्शन थे, एक फिक्स था, फिक्स कितना था, 5.2%, और फ्लोटिंग कितना था, एल प्लस 0.6% था। अच्छा, उसको हमने क्या बोला भाई, फ्लोट पे चले जाओ, यही बोला ना, इसको क्या बोला भाई, तुम फ्लोट पे चले जाओ, क्यों, क्योंकि उसको बेनिफिट 0.7 का था, ए का बेनिफिट ज़्यादा था, इसका बेनिफिट कम था, लेकिन स्टिल इसको बेनिफिट मिल रहा था। अच्छा, ये करने के बाद इसका मतलब ये था कि बिफोर स्वैप अगर हम ट्रिपल बी की कैलकुलेशन करें, तो ट्रिपल बी की कैलकुलेशन क्या थी, माइनस एल माइनस 0.6% या और एल इंटू एल प्लस 0.6%, यही था ना। लेकिन यहाँ पर हमें मालूम है, क्या मालूम है, हमें मालूम है कि ट्रिपल बी वांट्स टू कन्वर्ट इट्स लायबिलिटी फ्लोटिंग लायबिलिटी, इसकी लायबिलिटी क्या थी, फ्लोटिंग थी, फ्लक्चुएटिंग थी लायबिलिटी इनटू फिक्स। फिर भी हमने बोला भाई आप ये चले जाओ और फिर स्वैप कर लो। अच्छा, अब स्वैप पे आ जाते हैं, स्वैप के लिए प्री सिचुएशन अगर मैं बात करता हूँ, तो प्री सिचुएशन क्या हो गई, माइनस एल माइनस 0.6%, ये प्री है। बी का स्वैप क्या है, वापस देखें, जो ए को मिला था, ए को मिल रहा है आफ्टर स्वैप, तो बी पे करेगा, ए को मिल रहा है तो बी क्या करेगा, पे करेगा। तो इसका मतलब बी भी वापस पे करेगा माइनस 0.35% ये ए को। अच्छा, अब ए लाइबोर पे कर रहा है, तो बी को लाइबोर मिल रहा है, तो प्लस लाइबोर आ गया। ठीक है, ये भी लाइबोर है, ये भी लाइबोर है, तो ये लाइबोर माइनस वाला लाइबोर, ठीक है, कट गया प्लस वाले लाइबोर के साथ। तो अब अगर हम वापस कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस 0.6% माइनस 4.35%, और ये दोनों क्या हो गया, 4.95% माइनस में आ गया। यानी बी को स्वैप के बाद कितना पे करना है, आफ्टर स्वैप, ये पोस्ट स्वैप रेट ये है। ठीक है, तो सी इफ अगर ट्रिपल बी डायरेक्टली फिक्स रेट पर जाता, तो उसको 5.2% था, लेकिन इफ बी गो विथ स्वैप, और अब उसका फिक्स रेट कितना आ गया, 4.95% आ गया। यानी स्टिल बेनिफिट, विच इज़ वन इज़ बेटर फॉर बी, विच वन इज़ बेटर, देखा जाए दोनों ऑप्शन में से कौन सा बेटर है, विच इज़ बेटर। ऑफकोर्स एज अ लाइबिलिटी है, अगर लाइबिलिटी है तो 4.95% रेट इज लाइबिलिटी बेहतर है, क्योंकि लाइबिलिटी। अच्छा, अगर ये असेट होता तो जाहिर सी बात है, आप इस तरीके से सिचुएशन होते, तो इसका मतलब ये साबित हुआ कि दोनों फायदे में रह सकते, दोनों फायदे में कैसे रहे, दोनों फायदे में ऐसा रहे कि अगर ये डायरेक्टली जाते, ट्रिपल ए को फिक्स चाहिए, ट्रिपल ए को फ्लोटिंग चाहिए थी, तो इसको ये पे करना पड़ता, और इसको फिक्स चाहिए थी तो ये पे करना पड़ता। यानी अगर ये लोग डायरेक्टली अपनी पर्सी पे चले जाते, तो बी को ये पे करना होता और ए को ये पे करना होता। इन्होंने कंपेरेटिव एडवांटेज निकाला और देन स्वैप किया,
कंपेरेटिव एडवांटेज लॉ ऑफ स्पेशलाइजेशन की जो थ्योरी अभी हमने इनडायरेक्टली यहाँ पे डिस्कस की थी वही यहाँ पे अप्लाई हुई, और इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों की सिचुएशन में अगर ये डायरेक्ट जाने के बजाय कहते हैं चलो हमें जो हम जिसमें बेहतर है ना, हमें जिसमें बेनिफिट है ना वो क्लेम कर लेते हैं, हमें जिसमें बेनिफिट है वो क्लेम कर लेते हैं, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो उन्होंने एक्सचेंज किया क्या था, उन्होंने एक्सचेंज किया तो इन दोनों को फ़ायदा देखा जाए तो ट्रिपल ए की सिचुएशन क्या हुई, ट्रिपल ए को फिक्स ठीक है वो फ्लोटिंग जाता तो ये मिलता, तो प्री फ्लोटिंग उसका कितना था ये, और पोस्ट फ्लोटिंग प्री स्वैप कितना था रेट ये, और पोस्ट स्वैप रेट कितना बन गया और भी कम आया। इसी तरीके से दिस इज लोअर, ठीक है ये ज़्यादा लोअर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बी भी फायदे में रहा और ए भी फायदे में रहा। अच्छा अब अच्छा ये मैंने ओके नेट इफेक्ट मैंने भूल गया सिचुएशन, मुझे यही चीज़ें यहाँ पे न्यूमेरिकली ऊपर लिख के बतानी थी तो इस स्लाइड को यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्टली माइनस कर दिया बिफोर सेव। इस स्लाइड्स को आप अपने तौर पे नोट करके दे लीजिएगा। ओके नो अच्छा अब मैं ये कह रहा हूँ कि अंडर कंपेरेटिव एडवांटेज इज एग्जिस्टेंट ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ओके माय मिस्टेक, यहाँ पे सिर्फ दो पार्टीज थी, क्या थे, ए और बी, और ए की स्वैप आया ठीक है। अच्छा अब मैं ये करूँगा कि इसी को मैं नेक्स्ट सेशन में रिपीट करूँगा अगले में ठीक है, जिसके अंदर हम इसी सिचुएशन को फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज करेंगे, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ मर्ज करने के बाद सही है एक न्यूमेरिकल एक्टिविटी है ये मुझे आपको करवानी है, लेकिन दोनों सेशन साथ ही हैं, इसको न्यूमेरिकल एक्टिविटी को दिखेगा कि एक्स और वाई दोनों सिचुएशन है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को मैं अगले करेंसी स्वैप्स के साथ डिस्कस कर लूँगा ठीक है, क्योंकि 42 मिनट्स हो चुके हैं और मैं इससे ज़्यादा टाइम इस पर देना नहीं चाह रहा, टाइम से ज़्यादा लग गया ठीक है। सो डेट्स ऑल फॉर दिस सेशन, मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगा। समअप करने के लिए हमने सिर्फ कंपेरेटिव एडवांटेज पे बेनिफिट देखे, दोनों फायदे में रहते, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अगर आ भी जाएगा ना तो भी फायदे में रहेंगे, तो वो कैसे रहेंगे उसको हम अगले सेशन के साथ कवर करते हैं।